नमस्कार दोस्तों, केके न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या के बाद बनेगा ये भव्य मंदिर 1000 करोड़ में हो रहा तैयार, जाने क्या है इसकी खासियत। वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी जिन्होंने समानता की बात की थी, उनके जन्म को आज 1000 साल पूरे हो चुके हैं। हैदराबाद में रामानुजाचार्य का एक विशाल काय मंदिर बनाया जा रहा है जिसकी कुल लागत 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। सनातन परंपरा में किसी भी संत के लिए अभी तक इतना भव्य मंदिर नहीं बना है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियां होंगी और दोनों ही खास होंगी। पहली मूर्ति अष्टधातु यानी 216 फीट ऊंची है, जो स्थापित की जा चुकी है, इसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। दूसरी मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो कि 120 किलो सोने से बनी होगी। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर रामनगर में बन रहे इस मंदिर की कई खूबियां है। रामानुजाचार्य स्वामी पहले ऐसे संत हैं जिनकी इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। चीन में बनी है रामानुजाचार्य की बड़ी प्रतिमा जिसकी लागत है करीब 400 करोड़ रुपए। ये अष्ट धातु से बनी है सबसे बड़ी प्रतिमा, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और रामानुजाचार्य टेम्पल 45 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, जो 2014 में शुरू हुआ था और अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर में दर्शनार्थियों को 5 भाषाओं में ऑडियो गाइड मिल सकेंगी। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु सहित एक और अन्य भाषा इसमें शामिल होगी। इस मंदिर में करीब 25 करोड़ की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाए जाएंगे। इसके जरिए भी स्वामी रामानुजाचार्य की गाथा सुनाई जाएगी। मंदिर का मुख्य भवन करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में बन रहा है, जो 58 फीट ऊंचा है। इसी पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखी गई है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध 108 दिव्य देशम की रिप्लिका भी इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर बनाई जा रही है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का डिजाइन आर्किटेक्ट और दक्षिण भारतीय फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर आनंद साई ने बनाया है। उनका कहना है कि इस मंदिर और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की डिजाइन पर करीब 2